हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक पब्लिकेशंस। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं लूसेंट पब्लिकेशन की जनरल नॉलेज बुक का रिव्यू। आपको बताऊंगा कि इस बुक में क्या है खास, कैसे आपके लिए यूजफुल प्रूव हो सकती है अगर आप किसी भी जनरल कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हो, क्या इससे कोई और बेटर बुक आती है। ये सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। बस आप वीडियो को पूरा देखिएगा, एंड तक देखिएगा। तो दोस्तों, रिव्यू से पहले हम जान लेते हैं इसकी कुछ बेसिक डिटेल्स। बेसिक डिटेल्स यूँ हैं कि जो एमआरपी इस बुक की वो ₹216 है, और इस बुक को डॉक्टर बिनय कन्ना, संजीव कुमार, मानवेंद्र मुकुल, आरपी सुमन और रेणु सिन्हा ने लिखा है। स्पेसिफिकली डिजाइन की गई है यूपीएससी सिविल सर्विसेज, सीडीएस, एनडीए, आरआरबी, एससीआरए, आईएफएस, आईईएस और जो ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल के एग्जाम्स होते हैं, एंट्रेंस एग्जाम, उनके लिए। तो मैं ये कहूँगा कि जिन जिन कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में या एंट्रेंस एग्जाम्स में जीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन सभी एग्जाम्स के लिए ये बुक काफ़ी यूजफुल प्रूव हो सकती है। तो अब चलिए, सबसे पहले अब हम इसके टेबल ऑफ कंटेंट पे एक नज़र डाल लेते हैं कि इसमें मतलब है क्या क्या। जो फर्स्ट सेक्शन है इसमें वो है इंडियन हिस्ट्री का, सेकंड है इसमें वर्ल्ड हिस्ट्री, थर्ड है ज्योग्राफी, फोर्थ है इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, फिफ्थ है इंडियन इकोनॉमी, सिक्स्थ है फिजिक्स, सेवन्थ है केमिस्ट्री, एट है बायोलॉजी, नाइन्थ है मिस्केलानी, टेंथ है कंप्यूटर, यानी कि इसमें टोटल आपके 10 टॉपिक्स कवर किए गए। दोस्तों, इसमें पहला सेक्शन है इंडियन हिस्ट्री का। इसमें सबसे पहले आपको बताया जाएगा कि ये हिस्ट्री है क्या, मतलब हिस्ट्री की एक्चुअल डेफिनेशन क्या है, सिस्टम ऑफ डेटिंग क्या है, मतलब कैसे किसी भी आर्टिफैक्ट या फिर किसी एंशियंट मटेरियल की डेटिंग की जाती है, यानी कि उसकी डेट पता लगाई जाती है। फिर इसके बाद आपको इस बुक में मिलेगा, मतलब पहले सेक्शन में, कुछ सोर्सेज के बारे में जिनसे ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन रिकवर की गई है, मतलब पता लगाई गई है, जैसे आपके हिस्टोरिकल टेक्स्ट हैं, आर्कियोलॉजिकल टेक्स्ट हैं, रिलीजियस टेक्स्ट हैं जिसमें ब्राह्मणिकल, जैन, बुद्धिस्ट, ये सब सोर्सेज शामिल हैं। तो इस बुक की सबसे पहली खास बात यही आ जाती है कि पहले सेक्शन में आपको ना सिर्फ केवल इन्फॉर्मेशन दी गई बल्कि इन्फॉर्मेशन का सोर्स भी दिया गया है कि ये इन्फॉर्मेशन मिली कहाँ से हिस्टोरियंस को, आर्कियोलॉजिस्ट को, जो सबसे खास बात मुझे ये लगी। क्योंकि आमतौर पर जो जनरल नॉलेज और जनरल स्टडीज़ की बुक होती हैं वो यूजुअली फैक्ट के साथ डील करती हैं, वो फैक्ट की बिल्कुल बुनियाद के साथ डील नहीं करती, ये बुक उस बुनियाद के साथ डील करती है। इस बुक में पहले सेक्शन में मैं आपको बता रहा हूँ सभी टॉपिक्स मिलते हैं एंशियंट, मेडिवल और मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से। ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जो स्किप किया हो इन्होंने, जो मैंने अपनी पहली रीडिंग में इस बुक में पाया। जो इस बुक की सबसे ज़्यादा खास बात मुझे ये लगी कि कोई भी टॉपिक मिस नहीं है और सभी टॉपिक्स यूनिफॉर्मली एक्सप्लेन किए गए हैं, मतलब जिस टॉपिक से क्वेश्चन आने के चांसेस हायर रहते हैं उसको इन्होंने और अच्छे से एक्सप्लेन किया है। दूसरी चीज़ ये कि इन्होंने फालतू के कुछ फैक्ट नहीं जोड़े जो आमतौर पर जनरल नॉलेज और जनरल स्टडीज़ की बुक जोड़ देती हैं। मैं किसी बुक का नाम नहीं लेना चाहूँगा लेकिन यूजुअली ज़्यादातर बुक्स में यही होता है, तो इन्होंने कुछ फालतू की इन्फॉर्मेशन नहीं जोड़ी है। इन्होंने केवल उतना दिया है जितना एक किसी भी कंपिटेटिव एस्पिरेंट को पता होना चाहिए। अब आप इसी बात से अंदाज़ा लगाइए कि इन्होंने इंडियन हिस्ट्री का सेक्शन 89 पेजेस में निपटा दिया। फिर इसके बाद सेकेंड सेक्शन है वर्ल्ड हिस्ट्री का, इसमें एंशियंट, मेडिवल और मॉडर्न वर्ल्ड की हिस्ट्री कवर की गई है। इसमें इंफॉर्मेशन काफ़ी कम है अगर हम कंपैरिजन करें इंडियन हिस्ट्री से, क्योंकि यूजुअली जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हिस्ट्री आती है वो आपकी इंडियन हिस्ट्री आती है, वर्ल्ड हिस्ट्री से काफ़ी कम क्वेश्चंस आते हैं। लेकिन फिर भी इन्होंने इतना दिया है कि जिससे आपको एक बेसिक आइडिया लग जाए क्या होता है। ये तो खैर थर्ड सेक्शन चल रहा है ज्योग्राफी का। तो सबसे पहली खास बात इस बुक की आ जाती है बिल्कुल सही कंटेंट ऑर्गेनाइजेशन। इन्होंने फालतू की कोई भी जानकारी नहीं डाली है जिससे कि कोई भी एस्पिरेंट कंफ्यूजन में आए। सबसे बेस्ट बात मुझे इस बुक की यही लगती है। ये दोस्तों थर्ड सेक्शन है इसमें ज्योग्राफी का। इसमें आपको बताया गया कि ज्योग्राफी है क्या, हु इज़ द फादर ऑफ ज्योग्राफी और बिग बैंग थ्योरी की, मतलब यूनिवर्स कैसे फॉर्म हुआ, गैलेक्सी क्या होती है, वो सभी चीज़ें आपको मिलेंगी। यूनिवर्स से लेकर इंडिया की फिजिकल ज्योग्राफी तक सभी चीज़ें इसमें कवर की गई हैं। ह्यूमन ज्योग्राफी का पोर्शन इसमें नहीं है, है भी है तो काफ़ी कम दे रखा है, लेकिन ह्यूमन ज्योग्राफी से क्वेश्चन आते ही नहीं है और आते हैं तो बहुत कम आते हैं, इस वजह से इन्होंने ह्यूमन ज्योग्राफी पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। तो ये सेक्शन भी मैं कहूँगा काफ़ी अच्छा है। और लास्ट में इस सेक्शन के आपको कुछ ज्योग्राफिकल टर्म्स की ग्लॉसरी मिलती है, जैसे कि एबलेशन, एब्रेशन, एडवेक्शन अकॉर्डिंग टू अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट वाइज आपको एक टर्मिनोलॉजी मिलेगी टर्म्स की ज्योग्राफी के जो होते हैं। फिर उसके बाद आपका फोर्थ सेक्शन आ जाता है इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें आपको बताया जाएगा कि ये जो पॉलिटिकल साइंस है वो क्या है, पॉलिटिक्स क्या है, कुछ हल्का सा इंसाइट दिया गया है। फिर उसके बाद रिपब्लिक ऑफ इंडिया, मतलब ये इंडियन पॉलिटी से डील करती है, वर्ल्ड पॉलिटी का इसमें कोई ऐसा खास टॉपिक कवर नहीं किया गया है, तो यूजुअली वैसे इंडियन पॉलिटी से ही क्वेश्चन आते हैं। फिर इसमें फिफ्थ टॉपिक आ जाता है इंडियन इकोनॉमी का। पर्सनली मुझे ये टॉपिक, मतलब ये सेक्शन ज़्यादा पसंद नहीं आया, क्योंकि इसमें इन्होंने कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी पहले एक्सप्लेन नहीं किया और फिर सीधे सीधे इन्होंने जो करंट फैक्ट एंड फिगर्स हैं वो पेश कर दिए। अगर ये थोड़ी टर्मिनोलॉजी और ऐड कर देते तो ये इंडियन इकोनॉमी का सेक्शन और अच्छा हो जाता।
लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि काफ़ी हद तक अच्छा है और किसी जनरल नॉलेज की बुक के कंपैरिजन में। मैं इस बुक का फेवर नहीं कर रहा, लेकिन हाँ जिस तरह से इन्होंने कंटेंट को ऑर्गेनाइज़ किया और कंटेंट को पेश किया है वो काफ़ी ज़्यादा सराहनीय है, उसकी तारीफ़ की जानी चाहिए, इस वजह से मैं तारीफ़ कर रहा हूँ। और सबसे बड़ी खास बात इसमें ये आ जाती है जनरल साइंस की, जनरल साइंस के आपके सब टॉपिक्स इसमें कवर किए गए हैं, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो और चाहे वो बायोलॉजी हो। बायोलॉजी के सेक्शन को इन्होंने हद से ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन किया, हद से ज़्यादा अच्छे से पेश किया है, क्योंकि बायोलॉजी से ही सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं जनरल साइंस के सेक्शंस में। तो ये केमिस्ट्री का है, इसमें आपके कुछ 9-10 के टॉपिक्स हैं और कुछ 11-12 के टॉपिक्स भी कवर किए गए हैं। एक हल्की फुल्की इन्फॉर्मेशन दी गई है, हालांकि इतना डीप में एक्सप्लेनेशन नहीं है। और फिर ये बायोलॉजी का सेक्शन आ जाता है, जो इसमें सबसे पहले इंट्रोडक्शन है, फिर इंपॉर्टेंट टर्म्स ऑफ बायोलॉजी, फिर एनसीईआरटी से ही मेनली सब टॉपिक्स कवर किए गए हैं, कोई एनसीईआरटी के बाहर का नहीं है। और कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी इसमें डाली गई है अपार्ट फ्रॉम 9-10 एनसीईआरटी, कुछ टॉपिक्स 11-12 के भी है। तो बायोलॉजी का सेक्शन मुझे बहुत अच्छा लगा इस बुक का। फिर इसके बाद इसमें है मिस्केलेनी, इसमें फर्स्ट इन इंडिया, फर्स्ट इन द वर्ल्ड, सुपरलेटिव्स, न्यूज़ एजेंसी ऑफ सम कंट्रीज, नेशनल एनिमल्स ऑफ सम कंट्रीज, मतलब टेबल वाइज कंटेंट एक्सप्रेस किया गया है, जिससे कि आप टेबल के थ्रू काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गैदर कर सको। तो ये सेक्शन भी काफ़ी अच्छा है, इससे आपको बहुत ही कम मतलब पेजेस में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल जाती है और आप आसानी से इसको मेमोराइज कर सकते हो। फिर इसी सेक्शन में 49 टॉपिक है गैलेंट्री अवार्ड्स, फिर नोबल प्राइजेस, जितने भी प्राइजेस होते हैं उन सब के बारे में, कि ये किसको दिया जाता है, किस किस फील्ड में दिया जाता है, और जो रेसिपिएंट्स हैं यानी कि किन किन को दिया जा चुका है, वो सब ही इसमें आपको मिलेगा। तो ओवरऑल अगर आप मुझसे पूछेंगे कि इस बुक के बारे में कि ये बुक आपको लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, 100% आप लीजिए, आप इस बुक की रीडिंग को एंजॉय करेंगे और आपको ये काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट प्रोवाइड करेगी अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो, क्योंकि इसमें सभी सेक्शंस लगभग अच्छे से कवर किए गए हैं, ऐसा कोई सेक्शन नहीं है बस, हालांकि इकोनॉमी और पॉलिटी के सेक्शंस इतने अच्छे से कवर नहीं किए गए, लेकिन बाकी सभी सेक्शंस इस बुक के मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आए। और ऐसी कोई बुक नहीं है जो आपको इतने कम MRP में, 216 इसकी MRP है, आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितनी इकोनॉमिकल है। तो ये सभी टॉपिक्स कवर करती है, क्योंकि जनरल स्टडीज़ की और जनरल नॉलेज की बुक्स यूजुअली काफ़ी ज़्यादा हाई प्राइस की होती हैं, उनके प्राइस रेट बहुत ज़्यादा होते हैं, हर कोई उनको परचेस नहीं कर सकता, लेकिन इस बुक को हर कोई परचेस कर सकता है। तो एकमात्र शॉर्टकमिंग जो आपको इस बुक में नजर आ सकती है वो है करंट अफेयर्स सेक्शन की एब्सेंस, लेकिन मैं उसको इस बुक की शॉर्टकमिंग नहीं मानूंगा, क्योंकि करंट अफेयर्स के लिए मेरा मानना ये रहता है ईयरली बुक से बेटर आपके मंथली मैगजीन्स और डेली न्यूज़पेपर्स और ऑनलाइन अपडेट्स रहती हैं, वो ज़्यादा इफेक्टिव होती हैं करंट अफेयर्स के लिए, इसलिए इस बुक की ऐसी कोई शॉर्टकमिंग मुझे नज़र नहीं आई। बस इकोनॉमिक्स और पॉलिटिक्स के टॉपिक्स ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किए गए, वो एकमात्र, लेकिन आमतौर पर जितने भी टॉपिक्स इस बुक में गिवन है वो सफिशियंट है आपके लिए किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठने के लिए। और आप मुझसे पूछे कि इस जैसी कोई और इफेक्टिव बुक आती है मार्केट में, तो बिल्कुल आती है, वो है अरियन पब्लिकेशन की जनरल नॉलेज बाय मनोहर पांडे, को पर्सनली रिकमेंड करूंगा कि आप लूसेंट जनरल नॉलेज बुक के साथ जाइए, ये बुक आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी और आपको इतनी डिटेल दे देगी कि आप कॉन्फिडेंटली किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम आप क्वालिफाई भी कर सकते हो, जो मतलब बेसिक लेवल का होता है। हालांकि हाई लेवल कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए ये बुक आपका एज अ रिविजन मटेरियल काम कर सकती है। इस बुक को आप ज़रूर से लीजिए अगर आप किसी एक ऐसी जनरल नॉलेज बुक की तलाश कर रहे हो। फिलहाल वीडियो में इतना ही, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, ऐसी वीडियोज़ आपको आगे भी मिलती रहेंगी। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।